देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। तो खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन को शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको पहले रूबरू करवा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर डूंगरपुर से सामने आ रही है। जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में नवी कक्षा की छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। जी हाँ, पॉक्सो कोर्ट के पीपी योगेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि सागवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित निवासी नवी कक्षा की छात्रा 23 जनवरी 2021 को स्कूल जाने के लिए निकली थी और उसी दरमियान माविता गांव निवासी बंशीलाल खराड़ी ने उसे रास्ते में बाइक पर बैठने के लिए कहा तो पीड़िता ने उसे मना कर दिया, जिस पर बंशीलाल ने चाकू दिखाकर मारने की धमकी उसको दी और डर के मारे पीड़िता बाइक के पीछे बैठ गई, जिसके बाद बंशीलाल पीड़िता को लेकर अहमदाबाद गया। यहां पर उसने कमरे में बंद कर उससे दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। 17 दिन तक बंधक रहने के बाद पीड़िता जैसे तैसे आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता 11 फरवरी 2021 को अपने पिता के साथ सागवाड़ा थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। इस मामले में सुनवाई करते हुए आज पॉक्सो कोर्ट ने बंशीलाल खराड़ी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही दोषी को 1,75,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पीड़िता के पिता ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री विद्यालय जा रही थी, तब रास्ते में अभियुक्त बंसीलाल मोटरसाइकिल लेकर आया, उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर अहमदाबाद ले गया, जहाँ अहमदाबाद में ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दी और उसके साथ 17 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। उस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। उक्त मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त बंसीलाल को दोषी माना है और अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 1,75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ डूंगरपुर से सहयोगी पुनीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण चूंकि एक और फैसला आता है बूंदी से, जिसमें एक बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और दूसरा मामला डूंगरपुर के सागवाड़ा से, यहां भी आजीवन कारावास और जिस तरीके से अर्थदंड यहां पर दिया गया है। देखिए, बड़ा मामला अपने आप में और 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है इस, तो किस तरीके से पॉक्सो कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और 20 साल के कठोर कारावास की सजा इस आरोपी को मिली है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा मैं आपको कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इस तरह के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट बनाए जाने के बाद से कहीं ना कहीं जो नाबालिग जो बच्चे थे उनके साथ यौन दुराचार की जो घटनाएं थी उन पर अंकुश लगने लगा है, सख्ती से कोर्ट पेश आने लगी है, जल्दी से जल्दी निर्णय आने लगे हैं। इसी क्रम में पिछले साल 2021 की घटना, ये बालिका स्कूल के लिए निकली थी और ये बंसीलाल नाम का युवक बाइक लेकर आया, उसे चाकू दिखाकर जबरन बाइक पर बिठाकर अहमदाबाद यानी गुजरात ले गया, वहां पर 17 दिन तक बंधक बना के रखा और उसके बाद उसने इतने ही समय उसका दुराचार करता रहा। इसी तरह बालिका अपनी जान बचाकर गांव पहुंची और उसने अपने परिजनों को बताया। मामले में FIR दर्ज हुई, पुलिस ने तत्काल इसमें चार्जशीट फाइल की और आज को माननीय न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है। 20 साल की सजा और बड़ा अर्थदंड लगाया है, जो एक सबब है ऐसे दुराचारियों के लिए। बिल्कुल पुनीत, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए एक संबंध में कानून भी बनाया था और कहा था कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध और जो यौन प्रकरण के मामले सामने आते हैं उसमें जो दोषी पाए अगर व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भी मामला, और ये भी सुनिश्चित किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में यहाँ पर जो ज्यादा कार्रवाइयां होती है, डेट्स पे डेट्स पड़ती है, वैसे भी दौड़ से परिजनों को ना गुजरना पड़े क्योंकि आहत वैसे ही होते हैं। इसको लेकर के 23 जनवरी की घटना, किस तरीके से इस घटना के बाद जो संज्ञान था मामले का तुरंत लिया गया और अब इस पर फैसला भी आ गया है 20 साल की कठोर सजा का? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा डूंगरपुर में स्पेशल कोर्ट पॉक्सो स्थापित किए जाने के बाद काफी लंबित प्रकरण जो थे उनका तो निस्तारण हुआ ही थे, अब ये स्थिति बनी है कि कोर्ट में पेंडेंसी लगभग केवल 1 साल के अंदर अंदर की है। 2021 पिछले साल की घटना है और उसका भी फैसला आ गया है, लगभग सभी केस समाप्ति की ओर है और आशा की जा रही है कि जल्दी जल्द सारे केसों का निस्तारण हो जाएगा और सभी परिवारियों को इसका लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, चलिए पुनीत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजमेर के विजयनगर